नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भूमाफियाओं पर एक्शन लेने की बात कही गई थी। इसके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठित करने पर भी मोहर लगाई गई। इसी के साथ ये विश्वास दिलाया गया कि अब प्रदेश में सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत मिलते ही महज 2 हफ्तों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी बहुत से भूमाफिया खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किए बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ जिले के ग्राम गेजा विकास खंड जानी खुर्द से सामने आया है, जहां ग्रामवासियों द्वारा यह अवगत कराया गया था कि चकबंदी के समय में ग्राम गेजा में खसरा संख्या 493, जिसका क्षेत्रफल 0.1640 है, इस जमीन को राजकीय कृषि गोदाम के लिए आवंटित किया गया था, जिसको भूमाफियाओं ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया। इस जमीन के मामले में भूमाफियाओं के नाम पर गेजा गांव के ही रहने वाले सुबोध कुमार जिंदल, विनोद कुमार, इन्हीं के साथ कई और जिंदल परिवार के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने इस जमीन पर कब्जा करने की नियत से तहसील कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ साथ कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साठगांठ करके कृषि बीज गोदाम की जमीन खसरा नंबर 493 से हटाकर उसे 430 में शिफ्ट करवा दिया। इसकी शिकायत गांव वासियों ने ग्राम प्रधान से की, लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें बड़ी बात यह है कि जिस भूमि पर अब कृषि गोदाम को स्थानांतरित करने की बात कही गई है, उस पर पहले से इंटर कॉलेज स्थापित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। आप क्या करते हैं? मैं गेजा इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। बताइए पूरा नाम। भी गेजा ही है। देखिये, जो बीज गोदाम का मसला चल रहा है, ये बीज गोदाम चकबंदी के टाइम में ही 493 छोटा हुआ था, तो वहीं बनना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे वहाँ से हटवा के 430 में ट्रांसफ़र करा दिया। वे उसे कब्जे में लेना चाहते हैं उस ज़मीन को, और 430 में बनवाना चाहते हैं, जबकि 430 में विद्यालय बना हुआ है, सनसर चल रहा है, वहाँ पर कोएड है, लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो जहाँ पर है, जिन देखो अधिकारियों की और इनकी मिली भगत से वो ट्रांसफ़र हो गया, तो हम ये चाहते हैं कि वो वहीं बन जाए, जबकि वो खाली पड़ी जगह, उसे वहीं बनाना चाहिए। तो 403 उन्होंने फिर कल जो है उसमें बैरिकेडिंग करा दी, जब विद्यालय की छुट्टी कर होने के बाद, तब वहाँ जाके उन्होंने ना वो उन्होंने रिसीवर महोदय को सूचना दी है, ना प्रधान को सूचना दिया, ना पंच साहब को सूचना दिया है, बिना ही सूचना के उन्होंने वहाँ जाके बैरिकेडिंग करा दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, विद्यालय हित में वो बीज गोदाम जो है वहाँ 493 ही बनना चाहिए, 430 में नहीं बनना चाहिए, और कम से कम विद्यालय परिसर में तो बनना ही नहीं चाहिए। ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन भूमाफियाओं के घोटाले की सूची काफी लंबी है। सरकारी जमीन कब्जाने का ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया, बल्कि ऐसे कई और मामलों में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। अब उक्त प्रकरण में जिला कृषि अधिकारी का भी कहना है कि जांच अधिकारियों ने अवगत कराया कि खसरा संख्या 430 पर कॉलेज का मुकदमा चल रहा है, जिस पर राजकीय कृषि भंडार के नाम से राजकीय अभिलेखों में अंकित है। अब गांववासियों की मांग है कि खसरा नंबर 493 पर राजकीय कृषि भंडार के नाम से राजकीय अभिलेखों में अंकित कराया जाए, ताकि वहां बीज भंडार का निर्माण कराया जा सके। इसी के साथ जनता इंटर कॉलेज के प्रशासन उप सचिव मनोज कुमार ने भी उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि ग्राम गेजा में सहायता प्राप्त जनता इंटर कॉलेज सन 1967 से संचालित है, और ग्राम वासियों ने उन्हें लिखित रूप से अवगत कराया है कि कुछ व्यक्ति षड्यंत्र रचकर कॉलेज की भूमि यानी कि खसरा संख्या 430 पर राजकीय कृषि बीज गोदाम ट्रांसफर करा रहे हैं, और अब वो गोदाम का निर्माण करने के लिए कॉलेज परिसर की जमीन में जबरन घुसकर बैरिकेडिंग भी लगा चुके हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। ये जो कृषि गोदाम का मामला चल रहा है, बीइंग अ प्रिंसिपल, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 493 नंबर खसरा में जो कृषि गोदाम, बीज गोदाम जो आवंटित है, वहीं पर जो है बने, 430 नंबर में जो खसरा नंबर 430 में कॉलेज पर है, उसमें न बने। वहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ जो है पढ़ाई बाधित होगी, और उसके जो 430 नंबर में जो खसरा नंबर जो कॉलेज है, उसके अंदर लोग जो बैरिकेडिंग भी कर दिया है। अच्छा। उससे कौन लोग हैं वो जिन्होंने इस तरीके से बैरिकेडिंग तक कर दी है? ये जो कुछ भूमाफिया हैं, जो कल हम लोग जो कॉलेज में छुट्टी के बाद वो लोग जो वहाँ गए, और बिना किसी पूर्व सूचना के, ना तो प्रधान को कोई सूचना है, ना तो कॉलेज के प्रबंध संचालक का, ना तो जो है प्रिंसिपल को, उस समय जो है अवैध रूप से वहाँ जो है प्रवेश कर गए हैं, और जो है काबिज हो गए हैं वहाँ पर।
कौन लोग हैं वो जो इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी धमकाने की भी कोशिश की है? सुबोध जिंदल और विनोद जिंदल हैं, ललित जिंदल, ये लोग जो है और इनके लड़के उड़के वहाँ पहुँच गए हैं और जो है बैरिकेडिंग किया जबरदस्ती वहाँ पर। तो क्या उन लोगों ने कभी धमकाने की कोशिश की है कि इस कृषि गोदाम के मामले को लेकर कि जहाँ पर आवंटित नहीं है, सरकार ने बोल दिया वहाँ नहीं बनेगा, फिर भी वो जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो जो है जबरदस्ती जो है वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो है ग्राम प्रधान को भी जो प्रेशर में ले रखे हैं कि जो इस पर साइन करवाना चाह रहे हैं जबरदस्ती, लेकिन जो है ग्राम प्रधान ने अभी तक मना कर दिया है, इसलिए जो है इसको रोका जाए कॉलेज पक्ष को ध्यान में रखते हुए, बच्चों का ध्यान में रखते हुए। आपों से मीडिया वालों से ये जो है रिक्वेस्ट है कि इसमें जो हमारी मदद करें, हमारे कॉलेज का जो है जो जमीन है सुरक्षित रहे, बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित रहे। जाहिर है जो जमीन गोदाम के लिए सरकार द्वारा आवंटित की गई थी उस पर भूमाफियाओं ने कृषि अधिकारी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से स्कूल की जमीन पर उसको ट्रांसफर करवा दिया। सुबोध कुमार जिंदल से जितने नाम हमने आपको पहले बताए थे, इन सब पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन सब लोगों ने मिलीभगत के साथ ये कारनामा किया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जबरन जमीन को हड़पने और गोदाम दूसरी जमीन पर बनने के लिए स्थानांतरित कराने का आरोप इन सभी पर लगा है। क्या नाम है आपका? जय प्रकाश। बताइए पूरा मामला क्या? मामला ये है जी, भूमाफिया है और ये कमती बढ़ती 20 साल से इसका केस चल रहा है और ये 2012 में इसे हार चुके हैं और ये जो विनोद जिंदल, सुबोध जिंदल और क्या नाम ललित जिंदल और सुभाष जिंदल और अरुण जिंदल, ये सब लोग भूमाफिया हैं और ज़बरदस्ती प्रधान को भी दबाव में दे रखा है और इनके पास लाइसेंस है और लोग बाग इनसे डरते हैं। तो ये जो मुकदमा हारे हैं, मतलब प्रशासन से की तरफ से क्या कार्रवाई हुई इस मामले को लेकर जब आपने इसकी शिकायत की? इसमें प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई जी और प्रशासन भी इनके दबाव में है। हाँ जी। और इन लोगों ने जो स्कूल में बैरिकेडिंग वगैरह कर दी है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप लोगों ने जब इसके लिए आवाज़ उठाई तो आपको भी कुछ उन्होंने धमकी वगैरह या फिर कुछ कहा है? धमकी तो हम तो वहाँ थे नहीं जी उस टाइम, लेकिन वो लोग इतने हैं कोई भी गांव का उनका सामना करने से डरता है। जाहिर है कॉलेज परिसर की जमीन पर कृषि गोदाम बनाने से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। गाँव वासियों का कहना है कि खसरा संख्या 430 जिस पर कृषि गोदाम बनाया जाना है वो जमीन 50 बीघा तक फैली है, तो कॉलेज परिसर के दायरे में इस गोदाम को ना बनाया जाए, अन्य किसी स्थान पर गोदाम का निर्माण कराया जा सकता है। कॉलेज परिसर के अंदर क्लासरूम्स तक जबरन ये भूमाफिया जमीन को हड़प बैठे हैं। इसके चलते इंटर कॉलेज के बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अपर जिला अधिकारी के पास इस मामले की शिकायत जा पहुंची है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। ये जितने भी 4-5 हैं इन पर सारों पर हथियार हैं, इनके हथियारों के बल पर सारा गांव डरता है, कोई आदमी इनके सामने बोलने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर जैसे हार गए मुकदमा, दो दफ़े इस पर हार चुके, 2006 में हार गए और 2012 में हार गए, लेकिन आज तक भी शासन और प्रशासन इनके इतने दबाव में है वो कब्जे को नहीं हटवा सका। ऐसे कल ये कॉलेज में अंदर जाकर घुस गए, दीवार तोड़ के और उसमें घुस के तारबंदी कर दी। अब बीज गोदाम यहाँ बनेगा 430 में, जबकि 493 में चकबंदी के टाइम से जगह छुट्टी हुई है, उसकी जांच भी कराई कृषि जिलाधिकारी ने, लेकिन वो भी अब इनके ही फेवर में आ गया। पूरा शासन पूरा प्रशासन इनके फेवर में, इनकी दाब है, दबंग आदमी है, कभी सांसद का फ़ोन करवा देंगे, कभी विधायक का करवा देंगे, कभी किसका करवा देंगे। 3 साल मुझे भागते भागते हो लिए इनके पीछे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। एंड में इन्होंने मुझे जेल भेज दिया तो मैं 4.5 महीने जेल काटता हूँ इस मामले में। मुझे पूरा दबाव मिला, मैं दबाव में नहीं आया तो मुझे जेल भेज दिया। अब मैं जेल से जैसे आया, आने के बाद मैंने फिर कार्रवाई करी तो अब ये फिर इस कॉलेज में जा पड़े, उसमें तारबंदी कर दी, कॉलेज की छुट्टी दी। अगर कॉलेज की छुट्टी नहीं होती तो वहाँ पथराव करते कैडे पड़ के, अधिकारी पीटते और ये पीटते वहाँ सब। लेकिन ये भूमाफिया अधिकारियों को लेकर सबको कल वहाँ जाकर इन्होंने कॉलेज या छुट्टी 12 बजे हुई तो 3 बजे अपना प्लान बना कर ये दीवार तोड़ के अंदर घुस गए, इन्होंने अपना पूरा काम कर दिया। तो इसका कारण क्या है कि 493 पर जमीन आवंटित है कृषि गोदाम, वहाँ पर वो क्यों नहीं बना रहे? वहाँ क्यों नहीं बना रहे कि इन्होंने मिली भगत से वो ट्रांसफ़र करा दिया था, जिसका कोई सबूत नहीं है। किसी कृषि विभाग का कोई भी आदमी कोई भी सबूत देने को तैयार नहीं, ना उनके पास वो सबूत है, ना उनकी अनुमति से ट्रांसफ़र हुआ हो। ये इन्होंने पैसा ले दे के अपना बर्बरी करके
और SDM से ट्रांसफर करा दिया, ना कोई साइन है किसी ग्राम प्रधान के हैं ना गांव के हैं किसी का कुछ नहीं, बस सिर्फ ग्राम सभा लिख के इन्होंने ट्रांसफर करा दिया। वो अब उसी में ही जोर लगा रहे हैं, कृषि अधिकारी ने इसकी जांच कराई तो ये 493 में ही खाली मिला उन्हें। अब उन्होंने उसमें जुआर बो दी, फसल बो दी, अब उन्होंने कब्जा जब से उनका चला आ रहा है उस पर, दो बार हारने के बाद भी कोई शासन प्रशासन उस कब्जे को नहीं हटा सका, इतने दबंग किस्म के आदमी है। गेजा में इंटर कॉलेज की जमीन हड़पने को लेकर जिन लोगों पर आरोप लगा है, जब फर्स्ट बाइट ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनमें से कुछ ने तो ये कहा कि उनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिंदल परिवार के लोगों का कहना था कि वो इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन बार बार उनसे कॉन्टेक्ट करने के बावजूद भी उनकी तरफ से किसी तरह का कोई पक्ष नहीं रखा गया। इस वजह से गाँव वासियों ने जो आरोप लगाए हैं उनके बिना पर फर्स्ट बाइट आपको ये खबर दिखाता है। आपको बता दें कि गांव वासियों का कहना है कि भू माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि सारे सबूत और दस्तावेज उनके खिलाफ हैं। प्रशासन से उन सभी की गुहार है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। फिलहाल हम इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर।